HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। भाजपा के नेताओं ने देश स्तर पर चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के तहत विकास तीर्थ के जरिए गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। सरैया रेलवे स्टेशन पर गिरिडीह रेलवे लाइन को लेकर केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना हुई। गिरिडीह सलैया स्टेशन के समीप हम लोग विकास तीर्थ जो भारतीय जनता पार्टी का आज पूरे 30 मई से लेकर 30 जून तक लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है, उस निमित्त आज इस कार्यक्रम के विकास तीर्थ के प्रभारी के रूप में हमारे माननीय गिरिडीह के प्रदेश के प्रवक्ता श्री विनय सिंह जी हैं, और आज की जो कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में मैं स्वयं नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह के रूप में आपके बीच में हूँ, क्योंकि ये प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश था कि जहाँ जहाँ भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, चाहे वो रेलवे का काम हो, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो पार्क का काम हो, जो भी कार्य हुए हैं, उन सभी कार्यों को हम जनता के बीच में जाकर ये बताने का काम करें, ये जो काम हुआ है ये संभव था सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा। तो हम लोग अपनी ओर से आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि 9 वर्षों में जनता ने जो बहुमूल्य हम लोग को अपना मत देकर प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गद्दी पर बैठाने का काम किया, पुनः 2024 में हम इनसे अपील करते हैं कि उसी प्रकार से और फुल बहुमत से पुनः इन भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को गद्दी पर बैठाने का काम करें, और मैं पुनः अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे राष्ट्र को अपनी ओर से धन्यवाद और शुभकामनाएं। ये आपको स्मरण दिलाए कि 1300 करोड़ रुपया इस रेल परियोजना पर खर्च हुआ था, और ये रेल परियोजना गिरिडीह के लिए बहुत ही पुरानी परियोजना है, और राज्य का जब गठन हुआ तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने, देश के पहले मुख्यमंत्री थे जो किसी रेल परियोजना के लिए 1/3 हिस्सा देने का घोषणा किया था, और तभी से इसकी नींव पड़ी। लेकिन कालांतर में जो सरकारें आई भारत में, उन्होंने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, और अब जब नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की सत्ता का बागडोर संभाला, तो आपका परिणाम आज सामने है। हम लोग कभी परिकल्पना भी नहीं किए थे कि विद्युतीकरण के साथ रेल योजना चलेगी। आज हमारे तमाम सारे नेता यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के यात्रियों को यह बताने के लिए कि ये रेल सुविधा आपके एक वोट से, आपके एक समर्थन से, आपके एक आशीर्वाद से देश को प्राप्त हुआ है, और 2024 में भी इसी उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार सत्ता में बैठाना है। जय हिंद। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।